तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो फिर आज मेरे को काफी टाइम से ना रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई तू ना माय फर्स्ट Q&A रख, हम तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सारे फ्रेंड भी कह रहे थे कि हम तेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, उनका रिप्लाई की वीडियो बनाना, जैसे सारे वीडियो बनाते हैं माय फर्स्ट Q&A। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना Q&A की वीडियो बनाई जाए। तो फिर Q&A की वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कोई शांत जगह चलते हैं। तो सूरतगढ़ के अंदर शांत जगह एक ही है, वो है यहाँ के टिब्बे, यानी खेजड़ी मंदिर के पास पे जो मिट्टी के मैदान बने हुए, वो खेजड़ी मंदिर है यहाँ की बेस्ट जगह। यहाँ पे बोले कोई भी पीछे साउंड वगैरह नहीं आता, बोले एकदम शांति है। तो फिर पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, फोन निकालता हूँ मैं भी। मिस्टर फैक्ट वाला भाई का कि आप कहाँ रहते हो? तो मैं आपको बता दूँ, मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में रहता हूँ। तो और सेकेंड क्वेश्चन है यह है कि भाई आपको कितना टाइम हो गया यूट्यूब चैनल चलाए हुए? तो मैं बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को लगभग 2 महीने के आसपास हो गए हैं। अगर आपने वीडियो चेक नहीं की तो आप जाके देख सकते हो, माय फर्स्ट व्लॉग भी है उसमें, उसी दिन मैंने चैनल स्टार्ट किया था और पहली वीडियो बनाई थी। और तीसरा जो कमेंट है वो पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई आपकी शादी होगी क्या? शादी वो तो नहीं हुई यार, उसका नाम ही मतलब, लेकिन हो जाएगी जल्दी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, अभी तक मैं कुंवारा ही हूँ। तो फिर चौथा क्वेश्चन है कि भाई आप कितने पैसे कमाते हो? भाई 1,00,000 करोड़। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं कमाता, कुछ भी नहीं कमाता बताऊँ तो। अभी तक जो मेरी YouTube की पेमेंट है, अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। जब तक आप वीडियो देख रहे हो पता नहीं हो भी जाए, तो अभी तक इस वीडियो को बनाते टाइम मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, 1 रुपये मैंने अर्निंग नहीं किया है इस चैनल से। तो आगे वाले हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि भाई आपकी अर्निंग तो 1,00,000 रुपये होगी। हाँ भाई 1,00,000 रुपये है, अभी तो बताए यार 1,00,000। अभी मेरा चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो 1,00,000 रुपये आगे जाके धीरे धीरे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो सब कुछ होगा। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो 1,00,000 क्या 1,00,000 भी रुपए कमा लेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सातवां क्वेश्चन है कि आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? तो मैं यूट्यूब के अलावा बता दूं कि मैंने अभी 12th class से पास की है, अभी मैं BA फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। तो अभी फिलहाल यूट्यूब का ही जो काम है वो चल रहा है, यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन है आपने हर्ष भाई का, वो कह रहे हैं भाई आगे का क्या प्लान है, आगे कहाँ जा रहे हो व्लॉग बनाने? तो फिर आगे यार आप तो जा रहे हो कलकत्ता, ठीक है क्या? तो मैं बता दूं, अगर कोशिश रही, अगर अपना चैनल मोनेटाइज हो गया तो हम जाएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में, या फिर जाएंगे किसी बड़ी सिटी में व्लॉग वगैरह बनाने। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई आपके फैमिली में कौन कौन है? मैं बता दूँ, फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, एक भाई और एक बहन है। तो फिर एक आगे क्वेश्चन है कि भाई आप वीडियो किससे शूट करते हो? तो मैं बता दूं, मेरे वीडियो शूट करने के 2 फ़ोन हैं, एक तो जो है OnePlus का है और एक है MI का। और मेरी वीडियो फ़िलहाल बता दूं कौन शूट कर रहा है मैं आपको। तो ये रहे अपने हर्ष भाई, ये ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं अपनी। तो फिर एक आगे क्वेश्चन है कि भाई आप जयपुर और जोधपुर कब जा रहे हो? जयपुर और जोधपुर बता दूँ कि अभी जल्दी लगभग 15 जनवरी के बाद जाएंगे, 15 जनवरी के बाद, क्योंकि अभी टाइम नहीं है थोड़ा। और फिर उसके बाद है देव भाई का क्वेश्चन है लाइव विद देव कि भाई आपका चैनल मोनेटाइज है क्या? अभी चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं है, अभी धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, अपना वॉच टाइम तो वो कंप्लीट हो गया है और सब्सक्राइबर अभी थोड़ी बहुत रहे, वो होती है अपना चैनल भी है वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों इतने थे मतलब क्वेश्चन जो मैंने टैब डाला था कि आप जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो वो पूछो, मैं उसके रिप्लाई दूंगा। तो इतने क्वेश्चन है, ये थी मेरे ज़िंदगी की मतलब जो भी मैंने अभी तक किया है। मैंने चैनल कब स्टार्ट किया था, लगभग 2-1 महीने हो गए। तो सारी डिटेल आपको बता दी है, किस फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, कहाँ रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इसके अंदर कमेंट में ज़रूर बता दे, कमेंट लिख देना, तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप कहोगे, अगर और कमेंट करोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो इतने आप सिनेमैटिक शॉट का मजा ले।